सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को शनिवार को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार और उसके राइट हैंड अजय को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस ने दोनों को पंजाब से कुछ देर पहले ही पकड़ा है। अब इन्हें दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। पहलवान सुशील पर पुलिस ने 1,00,000 रुपये और वहीं अजय पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। पता चला है कि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए पहलवान सुशील लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी, तो वहीं दिल्ली सहित कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर उसके ठिकाने का पता लगाया जा रहा था। इसी क्रम में ये पता चला कि पहलवान सुशील मेरठ के टोल प्लाजा पर देखा गया था, जहां से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वह उत्तराखंड भागने की फिराक में था। जिसके बाद इस बात का खुलासा हो गया कि सुशील कुमार मेरठ के सिवाय टोल प्लाजा से कई बार गाड़ी बदल बदल कर गुजरा है। दिल्ली पुलिस ने टोल प्लाजा के सभी फुटेज कब्जे में लेकर जाँच कर उसके लोकेशन को ट्रेस करने में लगी हुई थी। वहीं इस बीच उसके हरिद्वार में भी छिपने की खबर मीडिया में सुर्खियों में रही। हालांकि आखिरकार पुलिस ने उसे पंजाब से पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक 4 मई को रात 1:15 से लेकर 1:30 के बीच छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पहलवान के दो गुटों में झड़प हुई थी। इस दौरान फायरिंग भी हुई, इसमें 5 पहलवान जख्मी हो गए। इसमें सागर, सोनू, अमित कुमार और 2 अन्य पहलवान शामिल थे। सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। वह दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का बेटा था। बताया जा रहा है कि ये झगड़ा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुआ था। सागर उसके दोस्त जिस घर में रहते थे सुशील कुमार उससे खाली करने का दबाव बना रहे थे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं।